नमस्कार दोस्तों टाटा टेक्निकल सपोर्ट चैनल में आप लोग का स्वागत है आप लोग के बीच एक नया वीडियो ले हाजिर हुआ हूँ आज अपने पास एक गाड़ी आया था जो कि उसमें एम आई एल लाइट जल रहा था स्टार्ट होने पे वो बंद नहीं हो रहा था उसका कहना है कि पिकअप नहीं ले रहा है गाड़ी और माइलेज भी नहीं दे रहा है तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे डिस्प्ले में गाड़ी हमने स्टार्ट कर दिया है जब एम लाइट बंद नहीं हो रहा है तो एक बार हम चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है जो कि एम आई लाइट बंद नहीं हो रहा है किसके वजह से एम आई लाइट चालू हो गया है तो एक बार हम लोग इसको चेक करते हैं अच्छे से कि किस वजह से एम आई लाइट चालू हो देख रहे हैं आरपीएम भी तीस तक जा रहा है उसमें भी कोई इशू नहीं है बट गाड़ी का खिंचाई नहीं है बोला है रनिंग कंडीशन में गाड़ी पचास के ऊपर गाड़ी नहीं जा रहा है एकदम मौसम तोड़ दे रहा है चालीस पचास में ही रह जा रहा है वो भी रेड बटन में हाई बी मोड में तो हम लोग एक बार इसको चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या दिक्कत हो गया है एक बार हम लोग डाइनोस करेंगे डाइनोस करने के बाद चेक करेंगे एक बार हम लोग पहले लैपटॉप को ई से कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट करने के बाद चेक करेंगे क्या दिक्कत है और धुआं भी आप लोग देख रहे होंगे काला धुआं भी हल्का मार रहा है ओवर करने पे तो हम लोग एक बार इसमें चेक करेंगे कि किस वजह से ये एम आई चालू हो गया है एक बार लैपटॉप को ई से कनेक्ट कर लेते हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कनेक्ट हो गया है लैपटॉप अभी हम लोग फोल्ड कोड पे जाएंगे फोल्ड कोड में देखेंगे कौन कौन से फोल्ड कोड आए हैं आप लोग सबसे पहले देख पा रहे होंगे फोर टू थ्री एट एयर असिस्टेंट वॉल्व का है जो कि बता रहा है प्रेशर लो और हाई हो रहा है दूसरा है इंजन मेटरिंग तीसरा है सैंतीस से इकतालीस जो कि हाई प्रेशर कॉमन रिलीफ वाल्व दिखा रहा है जो कि कॉमन रेल के पीछे आप लोग जानते होंगे मैकेनिकल वॉल्व जिसे बोलते हैं पीआरबी प्रेशर रिलीफ वाल्व उसमें कुछ इश्यू होने के कारण से ये प्रॉब्लम होता है एक बार फुल को रिसेट मार लेते हैं रिसेट मारने के बाद आगे इसका डीजल लाइन चेक करेंगे कि क्या डीजल लाइन में कहीं से कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो एक बार हम लोग फोटकोट को रिजल्ट हो जाने दीजिए रिजल्ट हो जाने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि आगे क्या प्रॉब्लम है और आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं वॉचिंग करते हैं इसके लिए धन्यवाद हमसे जुड़े रहिए आगे जैसे जैसी जानकारी होंगी वैसे जानकारी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक तो पहुंचाया जाएगा और हम लोग एक बार चेक करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है अभी बोनट खुल गया है एक बार फॉल्ट कोड देख लेते हैं फॉल्ट कोड कोई फॉल्ट कोड नहीं है एक बार हम लोग बोनट खुलने के बाद चेक करेंगे पी आर को कि पी आर में क्या भी तो जैसे कि देख पा रहे होंगे लोग आई लाइट बंद हो गया है फॉल्ट कोड डिस्टर्ट मारने से जो काउंटिंग होके फॉल्ट कोड पड़ा था उसी की वजह से आ रहा था अभी फॉल्ट कोड रिसेट करने के बाद एम लाइट बंद हो गया है अब हम लोग एक बार इंजन का कवर खोल के चेक करेंगे कि क्या दिक्कत है जैसा कि आप लोग ये पाइप देख रहे हैं पंप का रिटर्न है और ये पीआरवी का है जो कॉमन रियल जिसे बोलते हैं हम इसको एक बार चेक करेंगे स्टार्ट करके अगर पी के पास से अगर तेल रिलीज किया या तेल फेंका तो आप लोग समझ जाइए कि प्रेशर रिलीफ बल्ब ख़राब हो गया है और गाड़ी भी देख रहे होंगे एक्सीटर दे रहे हैं गाड़ी भी रेस है आप लोग देख पा रहे होंगे जंग में जो है उसमें तेल फुल होने वाला है हम लोग गाड़ी को बंद कर देते हैं अपना प्यार भी सही है प्यार भी सही है मतलब कि कहीं से डीजल लाइन फंस रहा है तो बार हम लोग वाटर सप्रेटर चेक करेंगे वाटर सेपरेटर का फ़िल्टर चेक करेंगे इसमें से ज़रा सा भी पीआरबी से ज़रा सा भी डीजल नहीं लीक किया है कॉमरियल के पास से और हम लोग एक बार चेक करते हैं वाटर सेपरेटर वाटर सेपरेटर कहीं चौक तो नहीं हो गया है उसमें कुछ कचरा तो नहीं है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं वाटर सेपरेटर हम लोगों ने खोल लिया है अब इसको लोग एक बार चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या इशू आ रहा है जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे अंदर कचड़े आ गए हैं और जो फ़िल्टर है काफ़ी भारी हो गया है मतलब इसके अंदर जो कचड़े होते हैं वो पूरे अंदर तरीके से बैठ गए हैं इस वजह से ये काफ़ी भारी हो गया है और काफ़ी भारी होने का कारण यही है कि फ़िल्टर चौक हो जाते हैं तो काफ़ी भारी हो जाते हैं इसमें एक नया फिल्टर इंस्टॉलेशन करेंगे हम लोग जो है डीजल भर लेते हैं जो हम लोगों ने निकाला था पंप रिटर्निंग से जिस भरने के बाद एक बार चेक करेंगे कि कोई फोल्ड कोड वगैरह तो नहीं है और गाड़ी को रिलीज़ कर देंगे इसका मेन कारण यही था कि जो फिल्टर है वो चौक हो गया था इसके वजह से गाड़ी पिकअप नहीं ले रहा था और रेल में दिक्कत कर रहा था इसकी वजह से प्रेशर रिलीफ वाल्व का फॉल्ट कोड आ रहा था अभी आप लोग देख रहे होंगे कि कोई फॉल्ट कोड नहीं है और गाड़ी भी एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं गाड़ी भी की स्टार्ट है और एम आई एल बट्टी वगैरह अभी कुछ नहीं जल रहा है पूरा तीस तक आर पी एम जा रहा है मतलब गाड़ी अभी पूरी तरीके से ओके हो गई है जो प्रॉब्लम था वाटर सपरेटर में था अधिकतर सेवेंटी परसेंट डीजल लाइन का प्रॉब्लम होता है तो वो वाटर पंप से ही होता है वाटर सपरेटर से और मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए धन्यवाद